नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी और आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और यह आपके फायदे के लिए ही होती हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, थायराइड एक खामोश बीमारी है जो कि साइलेंट डिसीज है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे गंभीर होती रहती है। थायराइड को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर हम अच्छे से समझते हैं तभी हम उसकी जड़ तक पहुंच पाते हैं। थायराइड के संबंध में कोई भी समस्या थायराइड के ग्लैंड के कारण होती है। यह एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में पाई जाती है। इसका मुख्य फंक्शन हमारे शरीर के लिए हार्मोन्स बनाना होता है, और इस वजह से यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। यानी कि जो भी हम खाते पीते और सांस लेते हैं और जिन्हें पचाकर हमें ऊर्जा मिलती है, उस पर थायराइड ग्रंथि का भी नियंत्रण होता है। इसलिए अगर इसमें खराबी आ जाए तो अचानक वजन घटने या बढ़ने के साथ साथ अन्य कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। थायराइड में दो तरह की बीमारी होना आम है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे थायराइड की ग्रंथि ओवर एक्टिव हो जाए, यानी कि वह हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स बदलने लग जाए। यह प्रॉब्लम्स कई कारणों से हो सकती है, जिसमें ग्रीड डिसीजेस प्रमुख है। इस बीमारी में हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जो कि हमारी ग्रंथि को ज्यादा हार्मोन्स बनाने पर मजबूत करता है। इसके अलावा बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी की अधिकता एक और कारण है। कई बार थायराइड की ग्रंथि में किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है या फिर किसी तरह से गांठ या सूजन हो जाती है, इससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी वजह से बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं या आपको पहले से ही डायबिटीज या अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी कई बार थायराइड में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म, पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड की समस्या आने की भावना होती है। थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादातर दिमागी समस्या के कारण शुरू होती है, और यह आजकल सबसे कॉमन वजह बन चुकी है, क्योंकि हार्मोन्स का कनेक्शन हमारे इमोशन से होता है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई इमोशनल प्रॉब्लम चलती ही है, जिससे आप अक्सर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति भी थायराइड की प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। हाइपरथायराइड की बीमारी के कई तरह के सिम्टम्स यानी कि लक्षण होते हैं, जैसे कि वजन का तेजी से घटना, गर्मी सहन ना होना और ज्यादा पसीना आना, आंखों में सूजन या आंखों का बड़ा होना, हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन तेज होना, और बॉडी में अचानक झटके महसूस होना, ज्यादा भूख लगना, अक्सर घबराहट होना और एकाग्रता कम होना, मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, चिड़चिड़ापन होना और अचानक बहुत ज्यादा थकान होना या शरीर में कमजोरी और वीकनेस आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम हाइपरथायराइड होने की समस्या का सिग्नल देती है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी हम थायराइड का इलाज लेते हैं तो डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयों से थायराइड कंट्रोल तो हो जाता है पर खत्म नहीं होता है, यानी कि जब तक दवाई ली जाए तब तक ही यह ठीक रहता है, और ऐसे में कई बार ज्यादा दवाई लेने से थायराइड की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर के इलाज के साथ साथ कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही असरदार और कामयाब नुस्खे, जिसके मदद से आप थायराइड की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, थायराइड को खत्म करने के लिए सबसे पहला घरेलू नुस्खा है, उसे बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी हरा धनिया, अदरक, कच्चा पपीता, हल्दी और नींबू की। दो कटोरी छिले हुए कच्चे पपीते में एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। फिर इसमें एक चम्मच अदरक को मिलाकर आधा कटोरी ताजे हने धनिया को मिलाएं। इन सारी चीजों को मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर इसका जूस तैयार कर लें, और इस जूस का सेवन सुबह शाम करें। इस ड्रिंक के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और सी होता है, जो हाइपर थायराइड की समस्या में बहुत ज्यादा मददगार होता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी ब्रोकली की। ब्रोकली फूल गोभी की तरह दिखने वाली एक सब्जी होती है, जिसका कलर हरा होता है। यह सब्जी मंडी या फिर किसी सुपर बाजार में आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद हमें जरूरत होगी पुदीना, अदरक और काली मिर्च की। ब्रोकली को अच्छी तरह से धोकर 5 मिनट तक गर्म पानी में बॉईल कर ले। ऐसा करने से यह आधी पक जाती है। फिर एक कटोरी कटी हुई ब्रोकली में 3 से 4 पुदीने के पत्ते मिलाएं, और फिर इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर इसे मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर इसका जूस बना ले, और इस जूस का सेवन रोजाना सुबह शाम करे। ब्रोकली का सेवन हाइपरथायराइड में बहुत ज्यादा असरदार होता है, इसलिए रोजाना इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा एक और नुस्खा है, उसके लिए आपको जरूरत होगी आंवला, त्रिफला का चूर्ण और शहद की। ताजे आंवले को बारीक काट लें, और उसमें 1 चम्मच आंवले में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण और 2 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन रोजाना सुबह और शाम खाली पेट करें। इस नुस्खे का इस्तेमाल यदि आप 1 से 2 महीने रोजाना किया जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम में काफी सुधार आ
बनाया जाता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी सरसों की भाजी, तुलसी, शलगम और नींबू की। सरसों के साग को अच्छी तरह धो ले, फिर एक कटोरी सरसों के साग में 4 से 5 पत्ते तुलसी के डालें, फिर इसमें आधा कटा हुआ शलगम डालें और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू ऐड करें, फिर इसे मिक्सर में चलाकर इसका जूस बना लें और रोजाना इस जूस को दिन में 1 बार पिए। अगर आपको सरसों का साग दही में मिलता है तो इसकी जगह पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जूस को रोजाना पीने से हाइपरथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम बहुत तेजी से ठीक हो जाती है और हमारा थायराइड लेवल वापस ठीक हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर द्वारा पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको चलने दें और साथ में इन नुस्खों का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर गले में सूजन हो तो रोजाना 1 टाइम बर्फ की सिकाई करें, इससे भी काफी फर्क मिलता है। भोजन में ज्यादातर गोभी और बंद गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, करेला आदि। साथ ही देसी घी का भी अधिक मात्रा में सेवन करें। गाय का घी भी थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत असरदार होता है। उसके बाद सुबह सुबह उज्जयी एक्सरसाइज रोज करें। उज्जयी व्यायाम करना बहुत आसान होता है, इसे कैसे किया जाए वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इन नुस्खों को यदि आप रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।